ऑटो एक्सपो 2023 को लेकर जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन अगर मैं बोलूं तो हुंडई की पवेलियन को लेकर था, आयोनिक 5 को लेकर था। इस पर हम बात करेंगे। हुंडई सीईओ तरुण गर्ग हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। थैंक यू रोशन। मैंने ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कहना कि सुबह से जो सबसे ज़्यादा स्टार हम कह सकते हैं वो इस कार को लेकर था, और उसकी अपनी अपनी वजह है। हुंडई पहले से भी एक ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है, और ईवी हम फ्यूचर की गाड़ी के लिए सोच रहे हैं। ट्रस्टेड ब्रांड प्लस ईवी, अगर उसका एक ग्रेट कॉम्बिनेशन आए वो हमें यहाँ पर दिखा। आप बताना चाहेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ही बताएं इसके डिज़ाइन को लेकर और जो चीज़ें इस पर हैं जो एक्स फैक्टर डालती हैं इस कार। देखिए, ये एक आज हमारे लिए, मैं कहूँगा कि मेरे लिए भी एज एन ऑटोमोबाइल प्रोफेशनल एक बहुत ही प्राइड मोमेंट है, क्योंकि आज हमने आयोनिक 5 लॉन्च किया है। ये वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर है और इस गाड़ी ने पूरे विश्व में बहुत धूम मचाई है, और ये दर्शाता है आज हुंडई का लॉन्च करना इस गाड़ी को कि यस, हमारा जो देश है वो आज एक इलेक्ट्रिक लैंडस्केप में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। और इस गाड़ी में बहुत खूबियाँ हैं, ना सिर्फ सेंसियो स्पोर्टीनेस डिज़ाइन के अंडर ये बनाई गई है, मगर आप देखिए अगर इसके इंटीरियर्स इतने स्पेशियस हैं। मैं उस पर आऊँगा सर, मैं बीच में टोक रहा हूँ, आई एम सॉरी। लेकिन जिस टाइम ये लॉन्च हुआ उस टाइम एक प्राइस बैंड को लेकर स्टिकर चलता है, और जिसमें सबका अटेंशन इस बात पर होता है कि किस प्राइस बैंड में आएगी, और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है इंडियन कस्टमर्स के लिए। तो किया से जो आपकी साथी पार्टनर है उससे EV6 से 16 लाख 15 लाख रुपए सस्ती है। इस प्राइस बैंड में आप इसे ला रहे थे, तो आपने क्या डिस्कशन चल रहे थे, और इस प्राइस बैंड में बताते हुए कि किस प्राइस बैंड में, आप खुद ही बताएं, तो उसमें आप क्या कंपटीशन आगे देखते हैं? देखिए, अगर आप देखिए, आज हुंडई 26 साल से इंडिया में है, और हमेशा हमारा प्रयास रहा है कि हम बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड की जो टेक्नोलॉजी होती है, हम सिर्फ इंडिया से लिमिट नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक ग्लोबल प्लेयर हैं, हमारी जो पेरेंट कंपनी HMC है, तो हम बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी लेके आएँ और एक ऐसे प्राइस पर लेके आएँ जो कि कस्टमर को वैल्यू दिखे। और यही हमारा प्रयास अब इलेक्ट्रिक कार्स में भी रहा है, और आज अपने हुंडई आयोनिक 5 देखिए, जो हमने प्राइस लॉन्च किया है, एक वो अविश्वसनीय प्राइस है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मुझे ऑलरेडी अपने फ़ोन पे इतने सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने ही कहा है कि हमें आज बुक करनी है गाड़ी। तो ये एक, आपने बताया कि जैसे कि यस, हमने डिस्कशंस किया और हम ये इस नतीजे पे पहुँचे कि यस, हमें एक अच्छा प्राइस देना चाहिए, बिकॉज एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और हुंडई उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देना चाहता है। 44.5 और लगभग 46 44.95, सो 44,95,000 रुपये की कीमत की गाड़ी निकाली है हमने आज। अब मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि दर्शक ये देखते भी रहें, क्योंकि वो इसको ज़्यादा देखना चाहते होंगे, हमारी बात भी सुनना चाहते होंगे। तो मैं KP जो हमारे कैमरामैन, उनसे कहूँगा कि वो फोकस करते रहें, और आप, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही खूबसूरत एरोडायनेमिक डिज़ाइन नज़र आ रहा है, कुछ इसको बताते हुए आप। बिल्कुल, देखिए अगर आप देखिए, हमने एक बहुत ही इसमें एक ना सिर्फ शानदार डिज़ाइन दिया है, बहुत छोटी छोटी चीज़ देखिए आप, अगर आप देखते हैं इसके हैंडल्स बड़े खूबसूरत और बड़े अनूठे प्रकार के हैं। अगर आप इसके गाड़ी के इंटीरियर में जाएंगे तो आपको एक बहुत ही अनूठी चीज़ दिखेगी कि इसका फ्लैट फ्लोर है। मैं चाहूँगा कि देखिए, हाँ देखिए, आप देखिए ज़रा यहाँ पर, आप देखिए, और अगर आप देखेंगे तो ये फ्लैट फ्लोर, आप ये फ्लैट फ्लोर है, देखिए ये गाड़ी नहीं है, ये एक तरह से आपका एक लिविंग स्पेस है कि इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, गाड़ी का कंसोल मूव हो सकता है, और इसमें इतना स्पेस है क्योंकि जो इसका HVAC है वो हमारा उस कंपार्टमेंट में चला गया, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस आया है। सर मैंने ये हमेशा नोटिस किया है कि हुंडई में एक किसी भी रेंज में आप जा रहे हो, कस्टमर के दिमाग में होता है कि आप कंफर्ट को लेकर आप आश्वस्त हो सकते हैं कि कंफर्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। मैं कंफर्ट की भी बात करूंगा, मैं चाहूंगा आप खुद बैठें प्लीज़, आप अगर और आप बताते भी जाएं, और दूसरी चीज़ में सेफ्टी को लेकर भी दोनों चीज़ों आप देखिए, मेरे साथ की सीट देख रहे हैं, और ये मैडम देखिए इनकी कि किस तरह से सीट का रिक्लाइनिंग है, और इसमें जो सीटिंग पोजीशन है वो आपकी तीन डिफरेंट तरह की सीटिंग पोजीशंस को आप सेव कर सकते हैं। तो आपकी अगर आपको आदत है थोड़ी गाड़ी आगे चलाने की, तो आप उसको सेव कर सकते हैं। सपोज़ घर में आपकी वाइफ चलाती हैं गाड़ी, तो उनकी अपनी सीटिंग पोजीशन हो सकती है, तो ये भी इसमें एक बहुत ही एक खास चीज़ दी गई है। कनेक्टिविटी इसमें बहुत ज़बरदस्त है, लगभग मैं चाहूँगा KP यहाँ पर आए और इस कंसोल को वो दिखाएं, तो आप इसे, है तो बहुत अपीलिंग सर, लेकिन इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी और किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ देखिए, इसमें 60 से ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स हैं, जो एक, और इसमें एक एडास लेवल 2 है, जो कि 21 फीचर्स एडास लेवल 2 के हैं। इसका मतलब है आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिलने वाली है इस गाड़ी में, और आपको ये फ्रंट कोलिजन असिस्ट करेगा कि उससे कि आप बच सकें, या आप अगर दरवाज़ा खोलते हैं कोई पीछे से गाड़ी आ जाती है तो उससे बच सकें, या फिर आप एक लेन में चलें
तो ये इसमें एक एडवांस लेवल का एडवांस लेवल 2 दिया गया है 21 फीचर्स के साथ। तो ये इस गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा एक अद्भुत चीज़ है। इस गाड़ी में बहुत सस्टेनेबल मटेरियल यूज़ किया गया है। अगर आप देखेंगे, हमने जो पेट बॉटल्स हैं उनको रिसाइकिल करके इसमें लगाया गया। तो सिर्फ गाड़ी इलेक्ट्रिक ही नहीं है, हमने इसके मटेरियल्स में भी एनवायरमेंट का बहुत ज़्यादा इसमें ख्याल रखा है। इसकी रेंज की बात करें तो 631 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और इसमें जो खास बात यह है कि ये 18 मिनट अगर आपका जो 350 किलोवाट की बैटरी है आपकी, तो आप 18 मिनट में इसको चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपका 150 है तब भी आप 21 मिनट में इसको चार्ज कर सकते हैं। सवाल आपसे करने जा रहा था, सारे सवाल के जवाब आपने दे दिए, रेंज को लेकर भी और किस तरीके से चार्ज करके कितना जल्दी इसको हम मूव कर सकते हैं। आखिरी चीज़ बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं सेफ्टी को लेकर ये सवाल ज़रूर करता हूँ और ऑटो इंडस्ट्री में इस सवाल फोकस में होना चाहिए जिस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं देश में, सेफ्टी को लेकर क्या कुछ है इसमें? देखिए, जो हुंडई की जो स्मार्ट सेंस टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत ही खास टेक्नोलॉजी है, जिसमें एडास लेवल 2 की हमने सेफ्टी इसमें दिया है। जैसे आपको बताया कि 21 फीचर जो कि हमारी पूरी रेंज में सबसे ज़्यादा फीचर्स इसमें दिए गए हैं, तो सेफ्टी का हमने बहुत खास ख्याल रखा है इस गाड़ी में। इस गाड़ी की और भी बहुत खास बात है एक, जो मैं आपको बताना भूल गया था, जो मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, लेडन ग्राउंड क्लियरेंस है, वो सभी हुंडई गाड़ियों में सबसे ज़्यादा है और लगभग 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। सो इंडियन, अगर आप देखें इंडियन सड़कों के लिए ये गाड़ी बहुत ही उपयुक्त है। सेफ्टी लेवल 2 एडास की बात की मैंने, आपको रेंज की बात की, तो ये एक बहुत ही कंप्लीट पैकेज है।